हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं हूँ योगेश सुनार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए एक बहुत प्यारा मकान मैं आपके लिए ले आया हूँ, 50 गज का ओनली। इस मकान को दिखाने से पहले आज मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि इंडिया में जितने भी वीडियो बनती हैं, ब्लॉग्स बनते हैं, तो मैं आपसे आज यही कहना चाह रहा हूँ भाइयों कि कोई गाली दे रहा है, गाली गलौज वाली वीडियो है जिसका कोई वजूद ही नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई नीड वाली कोई वीडियो नहीं है, वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो जाती है इंडिया में। और जो इतनी मेहनत करते हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं, कोई और चीज़ की कोई जानकारी देते हैं वीडियो वाले। सपोज आपको कोई गाड़ी की जानकारी दे रहा है, वो वीडियो उतनी वायरल नहीं होती। ऐसा क्यों इंडिया में कि टाइम वेस्ट करने की ही वीडियो ज़्यादा आदमी क्यों देखता है। यही मैं आज आपके लिए क्वेश्चन है कि जो ज़रूरत की वीडियो बनाता है, जो ज़रूरत की चीज़ें आपको दिखाते हैं, कृपया करके हम ही नहीं हैं और बहुत से लोग हैं, उनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और ताकि लोगों को मिलती रहे और जानकारी के साथ साथ वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर लें कि उनके पास भी ये वीडियो पहुँचे। कोई नहीं प्रॉपर्टी का हो और आपका स्टील की कोई जानकारी दे रहा है, A to Z जो भी इक्विपमेंट होते हैं उसकी जानकारी कोई देता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस जानकारी को शेयर करना चाहिए, ना कि कोई गाली गलौज वाली वीडियो बना रहा है, कोई डांस ऐसी उटपटांग जिसका कोई बेस ही नहीं है। उन चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, इंडिया को ग्रो करिए, आगे बढ़ाइए उसमें। इसी के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये एक्चुअली हम भी अभी ब्लॉग बनाना हमने अभी कुछ ही समय में स्टार्ट किया था। बाकी जो हमारा प्रोफाइल है वो तो कंस्ट्रक्शन का है, प्रॉपर्टी सेलिंग का है और विला बनवा के हम बेचते हैं। बट यूट्यूब में हमारा भी नया वर्क हो रखा है। इसके साथ ही मैं आज अपना एक नया वीडियो लाया हूँ। ये जो मकान मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये 50 गज का मकान है और मकान की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। मात्र 15 लाख में आपके लिए ये अवेलेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं मकान में पूरा टाइल का वर्क है, ऊपर इसकी मोमटी देख सकते हैं, मोमटी में कितना इसका बढ़िया फिनिशिंग दे रखा है, और आगे की जानकारी मैं आपको पूरा देता हूँ। 15x30 का ये मकान है। वेंटिलेशन के लिए बाहर से ही आपको यहाँ पे खिड़की दिख जाएंगी, इतनी बड़ी खिड़की इसमें दे रखी है। और साथ साथ में आप इसमें गेट का वर्क देख सकते हैं, इसमें पूरा ये SS का जो गेट होता है वो गेट इसमें लगाया है, और नीचे रैंप से ही आपका पूरा ये टाइलिंग का वर्क आपको दे रखा है। पूरा घर फुली फिनिश है। मैं पूरी घर की जानकारी आपको दे देता हूँ। यहाँ पे घर में आपकी ये एक पार्किंग है, व्हीकल पार्किंग वाला लोकेशन है। यहाँ पे टैप दे रखा है, जैसे आप बाहर कुछ गाड़ी धोते हैं या कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे नल में आप कुछ भी पाइप लगा के वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी मोटर लगेगी। ये लोकेशन आपकी बाइक रखने की हो जाती है। ये आपका जो दरवाज़ा है, ये बैठक का दरवाज़ा है, जो बहुत प्यारा एक छोटा परिवार के लिए बहुत बड़ी बढ़िया आपको यहाँ पे टोटल ये जो लोकेशन पैरामीटर मैं बता देता हूँ, 8x10 का यहाँ पे कमरा मिल जाएगा। इसमें सामने वेंटिलेशन मिल जाएगा आपको। खिड़कियाँ यहाँ पे दे रखी हैं, तो खिड़कियों को आप देख सकते हैं। खिड़कियों के साथ साथ ऊपर का PVC में वर्क दिखा देता हूँ। इसमें पूरा फॉल सीलिंग वर्क कर रखा है। 50 गज के मकान में इतनी प्यारी फिनिशिंग आपको देख के मज़ा आ जा रहा होगा। ये कमरा आपका बैठक का काम करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो ये हमारे स्विच बोर्ड बटन दे रखे हैं, जो यह इस कमरे के लाइटिंग के लिए, फ़ैन के लिए पूरा यहाँ पे सुविधा दे रखी है। इसके साथ साथ मैं अंदर को पूरा जाते रहूँगा तो पूरी जानकारी आपको देता हूँ। ये जो सीढ़ी जा रही है, ये सीढ़ी में पूरा SS का यहाँ पे रेलिंग लगाई गई है, आप पूरा ऊपर तक का देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका एक छोटा सा, एक हल्का सा एक लॉबी का वर्क है, क्योंकि 50 गज के मकान में और क्या चाहेंगे। यहाँ पे आपको पूरा मॉड्यूलर किचन यहाँ पे पूरा रेडी मिलेगा, रेडी टू मूव यह मकान है। यहाँ पे ये दरवाजे आपको मिल जाएंगे, बकेट मिल जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं पूरा इसमें सामान हमान रखने के साथ साथ आप अपना जो भी आइटम है ये रख सकते हैं। सामने आपको सिंक मिल जाएगा, सिंक के साथ साथ पूरा टाइलिंग का वर्क मिलेगा। नीचे आप अपना राशन जो भी अनाज होता है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्विच बोर्ड मिल गए हैं, यहाँ पे आप अपनी जो भी मिक्सी है वो उसका यहाँ पे रख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको मैं बता दूंगा कि एक ड्राइंग रूम मिल जाता है, एक बेडरूम मिल जाता है। बेडरूम की इतना प्यारा बेडरूम आपको यहाँ पे मिलेगा। और बेडरूम के साथ साथ मैं थोड़ा लाइट जला लेता हूँ,
लाइट के साथ आपको मैं बता देता हूँ, ऊपर आप यहाँ पे फॉल सीलिंग देख सकते हैं, इसमें भी फॉल सीलिंग का पूरा वर्क है। ऊपर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ, ये कमरा आपको पूरा 10x12 का एक कमरा मिल जाता है। इस कमरे में ही आपको एक छोटा सा स्टोर रूम मिलता है, मैं अलमेरा कहूँगा मैं इसमें। इसमें आप एक दरवाज़ा लगाएंगे, दरवाजे के लगाने के साथ साथ अपना सारा सामान यहाँ पे आप रख सकते हैं नीचे से ऊपर तक का। तो ऊपर यहाँ पे एक स्लिप आपको यहाँ पे मिल जाती है, इस स्लिप में भी आप अपना स्टोरेज एरिया है, सारा सामान भर सकते हैं। तो आपको इस मकान में दो कमरे मिल जाते हैं, एक ड्राइंग रूम है और एक बेडरूम है। यहाँ पे आपको सिंक मिलेगा सामने, सिंक के सामने यहाँ पे आपको टॉयलेट अटैच बाथरूम मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे शावर के लिए भी सुविधा है और टॉयलेट भी यहाँ पे दे रही है। पूरा टाइलिंग वर्क फिनिश ऊपर तक का फिनिश करके आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो ये जो मकान है 50 गज का मकान है, 15x30 इसकी पूरा पैरामीटर है। एक मॉड्यूलर किचन मिल जा रहा है, एक आपको इसमें बेडरूम मिल जाता है, एक ड्राइंग रूम मिल जाता है। ऊपर की सीढ़ी मैं आपको दिखा दूँ तो सीढ़ी आप देख सकते हैं, पूरा टाइलिंग वर्क है इसमें सीढ़ी में। तो ये दिखा देता हूँ मैं साथ साथ में आपको, जो भी 50 गज का मकान मांगते हैं बहुत नीड आती है। खासकर एक मनोज कुमार जी है हमारे सब्सक्राइबर, उन्होंने हमको कमेंट किया था कि भैया एक 50 गज का मकान हमको दिखाइएगा। तो 50 गज के मकान आपको ये अवेलेबल है आज। तो इसकी मैं छत बताना चाहूँगा, तो छत इसकी बहुत प्यारी है, छत में भी आपको बीम दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादातर जो हमारे जितने भी मकान हैं जो विला बने होते हैं वो सेल हो जाते हैं, ये सेल हो रखे हैं। ये कॉर्नर वाला जिसमें अभी खड़ा हूँ, ये वाला अभी बचा है, ये भी सेल है, इनका भी टोकन मनी आ चुका है। और आसपास के आप चारों तरफ मकान देख सकते हैं बन रहे हैं, और ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का वर्क अभी चल रहा है यहाँ पे। तो आपको साथ साथ में यहाँ पे जो हमारी ऊपर की जो चार दीवारी होती है वहाँ का वर्क आपको दिखा देता हूँ। ये मॉन्टी हो जाती है यहाँ पे, इसके ऊपर भी आप अपना एक दो कमरे निकाल सकते हैं बहुत प्यार से। 15x30 का ये मकान है। तो